खाद DAP, तो गंदम की गंदम का बीज इसमें मिक्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं और मैं भी खैरियत से हूँ। एक दिन, एक नए दिन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मेरी आज की ये मसरूफियात है व्यूअर्स कि मैंने गंदम की बुआई करानी है और गंदम को बीजना है, क्योंकि अब गंदम लेट है। गंदम का फसल जो बीजने का वक्त है वो लेट हो गया है। तो मेरी मेन जो मकसद है आज वो है बुआई कराना। तो आप मेरे पीछे शायद देख रहे हैं कि ट्रैक्टर हल चला रहा है। जो ही इधर आता है ट्रैक्टर तो मैं आपको वो हल चलाते हुए दिखाऊंगा। और गंदम जब हम बीज डालेंगे, गंदम में खाद डालेंगे, तो इंशाल्लाह मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो व्यूअर्स, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा है। वो इसलिए कि मैं, सर्दी है, मीठी मीठी सर्दी है और मीठी मीठी धूप है, तो बहुत ही मज़ेदार मौसम है आज। धूप बहुत मज़ेदार है, तो इंशाल्लाह मैं आपको सब आगाह करता हूँ कि ये कैसे गंदम की बजाई होती है। इंशाल्लाह मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। तो व्यूअर्स, मैं अपने कमांड में आऊँ या कोई भी काम करने आऊँ और कमांड सामने हो और मैं गन्ना ना चूसूँ, तो ये भी कैसे हो सकता है? तो इधर जो बाई ट्रैक्टर वाले हैं वो बुआई कर रहे हैं, तो मैंने बहुत बड़ा जो गन्ना है वो मैंने वहाँ से तोड़ लिया है। ये देखें, ये गन्ना है जी। तो ये बस इसको बैठ के तसल्ली से मैं, अब वो काम करेगा और मैं इसको गन्ने को, इसको ठिकाने लगाऊंगा गन्ने को। तो ठंडा ठंडा मौसम, ठंडी ठंडी धूप, बहुत ही मज़ेदार धूप, तो और गन्ना ठंडा, तो बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह जी। तो बस मैं कुछ देर के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि मैंने गन्ना चूसना है। तो मैं गन्ना चूस लूँ और आप थोड़ा सा सब्र कर लें। बस मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि हमारे खेत में हल चल रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैं ट्रैक्टर पे बैठ के आपको हल चलाते हुए दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, आज हम गंदम की बजाई करेंगे, गंदम बीजेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हैं। तो गंदम का बीज डालने का वक्त तो चला गया है, तकरीबन हम 8-10 दिन लेट हैं। तो हमने बीज में इजाफा कर लिया है, क्योंकि कुछ बीज उगते हैं, कुछ नहीं उगते, तो मैंने बीज में इजाफा कर लिया है। अगर एक एकड़ में लोग 50 किलो डालते हैं, तो मैंने वो 60 किलो कर लिया है। तो खाद का भी इस्तेमाल मैंने ज़्यादा कर लिया है। तो व्यूअर्स, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बीज की तैयारी हो रही है, उसमें खाद डाल दी गई है और हम इसको ज़मीन में डालेंगे, अपने खेतों में डालेंगे। तो व्यूअर्स, जो जो कुछ होगा, इसके फसल को स्प्रे करने का वक्त आएगा, फिर भी हम आपको बताएँगे। तो आज तो बहरहाल हमने बीज ही डालना है, तो हम बीज डालते हैं और मैं आपको बीज भी दिखाता हूँ।
जी ये है जी बीज, इसमें खाद भी मिलाई है। ये है जी बीज, खाद और खाद DAP, तो गंदम की गंदम का बीज इसमें मिक्स कर लिया है। मिक्स करके इसको ज़मीन में डालेंगे और ट्रैक्टर इस पे इसको हमवार कर रहा है, इसमें पट जो होती है वो फेर रहा है ताकि सुहागा, इसको बोलते हैं पंजाबी में पट बोलते हैं, तो वो लगा हुआ है। अब हम बीज डालने लगे हैं, इसमें ज़मीन में हम बीज डालने लगे हैं। तो जानो स्टार्ट हो जाओ। तो ये भी हमारे छोटे भांजे साहब इंशाल्लाह ये भी डालेंगे, हम तीन बंदे हैं जो इस खेत में बीज डालेंगे। खेत में बीज डाल रहे हैं जी, ये बीज आप देख रहे हैं। एक जो भाई हैं वो उधर जा रहे हैं, बस का डबल बीज डालते हैं, हम डबल बीज लगाते हैं ताकि कोई जगह इसमें रह ना जाए। बस गंदम का अब फसल की तैयारी शुरू हो गई है, अब इंशाल्लाह मेहनत करेंगे इसमें भी बहुत ज़्यादा। जिस तरह हमने चावल के फसल पर मेहनत की है, आपने हमें देखा कि हमने कैसे इसको निकाला, कैसे पानी से हमने रिज़्क को निकाला, तो हमें रब ताला की ज़ात पाक ने बहुत ज़्यादा चावल दिए हैं। तो हम अब गंदम की तैयारी हो रही है, इसकी जो है हम अच्छी खासी मेहनत करेंगे इसमें खाद बीज, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेट हो गया है मौसम की वजह से, कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से। तो अब इंशाल्लाह ताला फजले खुदा विवश इस पे मेहनत होगी, तो इसमें भी हम बोरियां भर के दाने घर में लेके जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम मेहनत करना जानते हैं इंशाल्लाह ताला, तो मेहनत होगी। तो विवस आज के लिए इतना ही, अपना और अपने गिर्दोनवा का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपके रिश्तेदारों को, अपने गिर्दोनवा के लोगों का अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, और आप सब को तंदरुस्ती अता फरमाए। तो बस आज के लिए इतना ही, अपने और अपने के दोनों का ख्याल रखें, सफाई का सम्मान है। अल्लाह हाफिज़।